Who's that? हम है बॉस। ओह कम 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 इन कम इन कम। बॉस डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। बट वी एस्केप्ड। थैंक गॉड। बैग खोलो खोलो। एक्सक्यूज मी बॉस। वल्ला ये चड्डी चांगिया पैंट शर्ट ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था, कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनुभाई गांधी हियर क्या? अब समझा, हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है। अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हा? तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। कौन? बॉस 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 हमें बचा लो। बॉस हमें बचा लो। सेव अस। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है। अरे बेवकूफ, तुम लोग यहाँ क्यों आए मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। डेढ़ सौ रुपया देगा। एक का 150 यानी कि दो का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ए कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। ओ सेट, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बेचा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले खींच ले। मजाक मत करो बाबू भैया, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। चार चार इंपोर्टेड जूते थे, अभी एक नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। ओ ये कल रात को मैंने राजू के सर पे मारा तभी तो थे रे बाबा। ओ ए श्याम, ये ले रे एक वक्त की रोटी और बाबू भैया का दो वक्त का बाटली लेके आया मैं। कितनी गोड़ है। खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया? लेकिन पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अरे तो पहले बोलना चाहिए, अभी मैं फर्स्ट क्लास नाके निकला पूरा मैल निकाल दिया। अरे यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने मेरे जूते देखे क्या? इंटरव्यू के लिए जाना है? हाँ। अरे पहले बोलता ना, इंटरव्यू के बाद भेज देता तेरे जूते। मतलब तूने मेरे जूते बेच दिए? अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। बाबू भैया ये आइटम के बच्चे हैं। फट जाएगा, फट जाएगा। अरे तेरी बनियान तो फटी नहीं है, अब सूट के नीचे क्या पहनूंगा मैं? स्लीपर पहन के घूमूं क्या? छोड़ मेरे को। इनको देखो, देखो बेचारे को। इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा। बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? ले
आपका बोतल गिर गया। बाबू भैया आप उसको छोड़ना मत, बोलो आपके पीछे। आप घड़ी लेके क्या करोगे, आपका टाइम तो वैसे ही खराब चल रहा है। चलो टाइम तो भी तेरा खत्म रे। बाबू भैया छोड़ना मत इसको, पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी, जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजा जी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तो सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के, आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो तीन पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने सबको पता है, चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्युनिसिपैलिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, हैं? और इसने मेरे साले ने ऊपर से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरे यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ तुम भी देखो, गवर्नमेंट इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत है? की छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले आना। वो ठीक है। ए सुनो, वो नए आईवी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए, चेक मिले नहीं? अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर ₹1,00,000 ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार ना मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से ₹10,000 उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो ₹1,000 देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ माँ, हाँ? उबले हुए अंडे दो, मुझे दो चाहिए। लाती हूँ। Get out! Get out, I said! और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक-एक को। Get out, I said! Get out! अरे एक तो मेरा पटवा चुराया, ऊपर से पेपर लिख किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500 रुपया में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है, है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम, नालायक, हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती, और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास, हैं? सर ये लाइटर खरीदिए फैट फ्री, सर ये टेलीफोन खरीदिए रेफ्रिजरेटर फ्री, सर ये एसी लगवाइए इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप, नालायक, गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो, शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे, मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूं मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ, हाँ मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ। सर, एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री, इसपे नहीं नाराज क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। Get out, please, get out. हो गया हूँ,
तुम लोगों के साथ रहूंगा तो गधा भी हो जाऊंगा। अरे क्या है, पेपर खरीद के पास होता है। एक मिनट, पेपर खरीद के क्या पास? यस बॉस। इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए। यस बॉस। एकदम चौकन्ने रहो। यस बॉस। उनके हाथ में लाल बैग होगा। सामने वाली पार्टी। यस बॉस। सामने वाली पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। यस बॉस। मैं यहाँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यस बॉस। और इस बार डील होनी ही चाहिए। यस बॉस। गेट लॉस्ट। यस बॉस। गेट लॉस्ट। यस बॉस। देखो, मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है। क्या हो गया तेरे को? अजीब बातें कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, किस तरफ जाते हुए देखा है? सर, इस तरफ सर। उधर खुफिया पुलिस। पुलिस सर, उछल के देखिए। बॉस, खुफिया पुलिस कहाँ हो रहे? पुलिस कमिश्नर भी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो ना बॉस। बॉस कौन हो? कौन तुम लोग? मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ। बेकार लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। क्या 4,000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा, तूने मुझे 1,000 रुपए दिया, अब 4,000? 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया। चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया। कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख, 4,000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5,000? ये सेठ इधर ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया। उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5,000 देता है। हा? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह जाने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है। गंजा हीरोइन का? हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन, हीरोइन समझा। ड्रग्स। ए ठीक, बड़ी मस्ती करता तू। ए मेरे को देना, ये सूट देना। 4,000 में लेना है तो ले, हा? नहीं तो फूट। हा? ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। अभी जो है आइटम देखे गए ने, वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर, हरामखोर, ऐसे चलाओ ना। ओ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर, बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट? जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नालायक? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे। जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है, 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप, शट अप। वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर सर सर, आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये? सर ह्यूमन रिसर्च। ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूँ सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये अश्लील फोटो? नहीं 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 सर, सर वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है सर? दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर। हे चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? है? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10
दस साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो। सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना, छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे। पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी सर, ये देखो ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। वो एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप सर सर ये बोल रहा है, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ दस साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। द्वारा नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और एक 11। टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। ए, बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा। खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, छह की छह गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो तीन बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? जीजा जी, मैं अंदर आऊं? नहीं। ओके। जीजा जी, एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला। वो सब मुझे याद मत दिला जी। कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं। ए, क्या है ये? रिश्वत। रिश्वत कम है और ये रख लीजिए। किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ? किसने कहा? हाँ, मेरी बेइज्जती करने आए हैं जी। कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए बस। ए, पुलिस को बोला। गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी के भी अंदर डालवा दूंगा। हेलो, लेकिन मेरी बात सुन। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रखो, बोल ना। करना क्या हंगामा हो रहा है? मैडम, मैडम, ये हरकत बोला क्या आपने? इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने क्या बोला? झूठ बोलता है। सबने सुना है यहाँ पे? मैंने सबने सुना है। अभी के अभी पुलिस को बुला। ये आदमी तो मुसीबत है। मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। अपने पैसे उठा और निकलो यहाँ से। दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंका? नीचे। बराबर। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी, मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है, नहीं तो मैं रिश्ता ही नहीं जोड़ता ना। बॉस, we are discussing a murder, sorry matter. Yes, go, yes, go, yes. go. Come. बॉस, वो दोनों बच गए। क्या? और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो? देखने में तो उनका बॉस लग रहा था। अच्छा। लेकिन बॉस, एक अच्छी खबर भी है। क्या? वो दोनों खुफिया पुलिस नहीं है, वो लोग आतंकवादी है और उनका एक बहुत बड़ा गैंग भी है। ये सब मैंने टीवी और अखबार में देखा, अगर आप चाहो तो आप भी देख लो न्यूज़पेपर। ये वल्ला। अबे बेवकूफ, ये आतंकवादी नहीं, ये खुफिया पुलिस ही है। अरे देखा नहीं, आते हैं पुलिस के साथ, जाते हैं पुलिस के साथ, वो भी पैदल नहीं, पुलिस की कार में। अरे बेवकूफ समझा मुझे? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। मनुभाई गांधी, मनुभाई गांधी हियर। सॉरी सॉरी शेरखान जी, आई एम सॉरी। नहीं,
नहीं नहीं शेरखान जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, इस बार पुड़िया की डिलीवरी देने मैं खुद आऊंगा, बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।